सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A70s के बारे में। तो अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी A70s का वेट कर रहे थे कि ये स्मार्टफोन आएगा तब हम लोग इस फ़ोन को बाय करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर दिल टूटने वाला बात बताऊंगा और आपका जो लॉन्च या डेट है जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पर थोड़ा डिले यहाँ पर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70s के बारे में। तो ये सैमसंग गैलेक्सी A70 का सक्सेसर बन के आएगा और इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A70s है ये आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा और ये सैमसंग की तरफ से पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा विथ सैमसंग का ही GW1 सेंसर के साथ। तो 2020 में आप यकीन मानिए कि एक ट्रेंड आने वाला है जो कि होगा 64 मेगापिक्सल का, यानी कि 2020 में आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और इसकी जो स्टार्टिंग है ये यही अगस्त के मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 8 अगस्त को रियलमी भी एक अपना इवेंट रखा है जो जहां पर वो अपना शोकेस करेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके बाद सैमसंग की तरफ से भी मतलब फ़ोन लॉन्च होगा। हालांकि जो 8 अगस्त को रियलमी ने एक प्रोग्राम रखा है वहां पर वो कोई फ़ोन लॉन्च नहीं करने वाला है, वहां पर वो लोग बस शोकेस करेंगे, लेकिन अक्टूबर के मंथ में आपको सैमसंग की तरफ से आप 64 मेगापिक्सल कैमरा के स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो ये यहां पर होने वाला है। 2020 एक नया ट्रेंड लेके आएगा। मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा इस्तेमाल करे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी ब्रांड पॉपअप सेल्फी कैमरा इस्तेमाल करते हैं, फुल स्क्रीन देते हैं। तो देखने वाली ये बात होती है क्या 2020 में सैमसंग आपको पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है या फिर वही आपको वाटर प्रूफ डिस्प्ले और पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर सैमसंग ऐसा करता है ना तो फिर सैमसंग फैंस के लिए ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि सैमसंग 2020 में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करे। और रही बात सैमसंग गैलेक्सी A70s का, तो अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये स्मार्टफोन आएगा तब हम लोग इस स्मार्टफोन को बाय करेंगे, तो आपको लगभग और 2 मंथ यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, यानी कि अगस्त और सितंबर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और अक्टूबर में जाके आपको सैमसंग गैलेक्सी A70s यहाँ पर मिलने वाला है। थोड़ा डिले है तो कुछ अच्छी मतलब अच्छे चीज़ों को आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग अक्टूबर के मंथ तक इंतज़ार कर सकते हैं तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, नहीं तो मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। 30,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 35,000 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्राइसिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जो भी होता है आने वाले दिनों में आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।